आपके स्क्रीन पर थालियां बजाकर जोरदार प्रदर्शन करती दिखाई दे रही महिलाओं की ये तस्वीरें यमुनानगर की हैं, जहां पर कांग्रेसी आज एकत्रित होकर सड़कों पर आए और देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बढ़ती महंगाई को लेकर सैकड़ों कांग्रेसी महिलाओं ने थालियां बजाकर केंद्र सरकार के प्रति विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जिस तरह आम आदमी पर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का असर पड़ रहा है, उससे कहीं ज्यादा इन दिनों मानसून लेट होने की वजह से और बिजली कटों की वजह से अन्नदाता पर भी इसकी गहरी मार पड़ रही है। थाल बजाते रहो तो आप कोरोना को बजाओ, तो आज हमने थाल बजाया ताकि मोदी जी को बजाएं। आज पेट्रोल का रेट आप देखिए, हाई स्पीड पेट्रोल है 102 रुपए कुछ पैसे है यमुनानगर के अंदर, और 97 रुपए 44 पैसे जो आम पेट्रोल है, 90 रुपए 92 रुपए 3 पैसे डीजल का रेट है, और 800 से ऊपर चले गए उसके रेट। सब्सिडी कहाँ गई गरीब आदमी के लिए, खत्म। तो इस प्रकार से जो आज ये सरकार लगी हुई है गरीब आदमी के कपड़े निचोड़ने के लिए, उसकी चमड़ी उतारने के लिए, तो इसके खिलाफ प्रत्येक जिला लेवल के पर आज हमारे प्रदर्शन है। देखिए पूरे देश में इस प्रकार लगातार महंगाई, इस अत्याचारी निकम्मी और बहरे गूंगी सरकार ने लगातार अनदेखे करते हुए जनता पर थोप रखी है, उसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में आज कांग्रेस जन महिला मोर्चा के अंतर्गत और युवा मोर्चा के अंतर्गत सड़कों पर है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष श्री सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी और हरियाणा प्रदेश की लोकप्रिय अध्यक्ष कुमारी सैलजा जी के निर्देश पर आज प्रत्येक मुख्यालय पर ब्लॉक में इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बता दें कि देश भर में पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। आए दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिसके विरोध में आज सैकड़ों कांग्रेसी यमुनानगर के जिला सचिवालय पर इकट्ठा हुए और हाईकमान के निर्देशानुसार जिला सचिवालय के गेट के सामने महिलाओं ने थालियां बजाकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना था कि जिस तरह कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने देश की जनता से थालियां बजवाने का काम किया था, आज वो महंगाई के खिलाफ प्रधानमंत्री के लिए थालियां बजा रही हैं। वहीं साढ़ोरा की कांग्रेस विधायक ने कहा कि मोदी सरकार महंगाई रोक पाने में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।